ये तो हम लोग भी बोल ही रहे हैं कि ईडी सीबीआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। कोई ऐसी पार्टी नहीं विपक्ष की है या कोई ऐसा नेता जो सदन में भी बोलना चाहता है, उसका एक दर्जन से ज़्यादा लोगों को जेल में केवल इसलिए भेजा गया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे। देखे ईडी और सीबीआई को लेकर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देखे ईडी और सीबीआई को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से जो विपक्ष के नेता हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, खूब हमला बोल रहे हैं बीजेपी और ईडी और सीबीआई पर क्या कुछ करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले आप वो सुने। जब उन्होंने कहा है तो ये तो हम लोग भी बोल ही रहे हैं कि ईडी सीबीआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। कल ही हुआ, कोई ऐसी पार्टी नहीं विपक्ष की है या कोई ऐसा नेता जो सदन में भी बोलना चाहता है, उसका आवाज़ आज संजय सिंह जेल में है और एक दर्जन से ज़्यादा लोगों को जेल में केवल इसलिए भेजा गया कि वो मोदी जी के नीतियों का खिलाफत करता था, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोलता था सदन में। तो ये तो लगातार हो ही रहा है, ईडी सीबीआई का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। जो प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ख़त्म करने की साजिश हो रही है। जिस तरह से विश्वविद्यालयों में आरएसएस के द्वारा वाइस चांसलर नियुक्त किए जा रहे हैं, ये किससे छिपा है आप सभी को मालूम है। तो मोदी सरकार में बाकी देश की जनता तो करा ही रही है महंगाई और बेरोजगारी से, मीडिया के लोग भी कम परेशान नहीं हुए हैं। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कितने लोगों की नौकरियां गईं, जो लोग सवाल पूछने वाले थे वो सब अब या तो अपना प्राइवेट चैनल बना के माध्यम से काम कर रहे हैं या फिर वो बेरोजगार हो गए हैं। जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है तब से न केवल विरोधी पक्ष के नेताओं पर दमन हो रहा है बल्कि मीडिया के भाइयों पर भी ये दमन जारी है। एक एक करके मीडिया के लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही न्यूज़ में देखा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर के घर पर ईडी का छापा पड़ा है और मनोज झा जी का पहले बयान भी था कि लगातार अब ये काम ईडी और सीबीआई का विरोधी पक्ष के नेताओं का आवाज़ बंद करने के लिए, आवाज़ दबाने के लिए ये लोग इस तरह का अत्याचार करेंगे। बीजेपी ने मीडिया के बंदियाकरण से शासन की शुरुआत और उसके अत्याचार पर उतारू है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। इससे पहले आप सभी जानते हैं देश के जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा एवं कई अन्य पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी में जैसे हुआ करता था, मोदी जी ने एक बार भी मीडिया के सामने मुखातिब होना नहीं उचित समझा। मैं यूपीए सरकार में काम करता था, उस समय जब कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी विदेश जाते थे, विदेश के दौरे पर जाते थे, तो उनके साथ आपके जैसे कई पत्रकार जहाज़ में चढ़ के भी उनसे सवाल करते थे, ये होता था। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं इमरजेंसी के दौर का, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है इमरजेंसी के दौर में भी श्रीमती गांधी के मुखालफत कभी कभी पूरा अखबार का जो एडिटोरियल है वो बंद होता था, विरोध में नहीं लिखा जाता था और बाकी अखबार के पन्नों पर इमरजेंसी की के बारे में विस्तार से उसके बारे में शिकायत होती थी। लेकिन आज अघोषित इमरजेंसी है, डर से कोई बोल नहीं सकता है, डर से कोई लिख नहीं सकता है। अभी
आप लोगों ने देखा होगा जो विगत लोकसभा और राज्यसभा का सत्र समाप्त हुआ उसी बीच में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। हालांकि वो पहले भी जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी हमला हुआ था आतंकियों के द्वारा, लेकिन वो लोग सुरक्षा कर्मियों ने सीढ़ियों पर उनको मार गिराया था। इस बार बीजेपी के एक सांसद के द्वारा इनको रिकमेंडेशन करके और भेजा गया, और सीआरपीएफ के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग उन लोगों को जांच किए बिना जाने दिया और वो लोग सब दर्शक दीर्घा तक पहुंच गए। देश की सभी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस सहित 24-25 पार्टियों के लोग केवल चाहते थे कि अमित शाह जी आके गृह मंत्री के रूप में अपना वक्तव्य दें सदन के पटल पर, प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दें। ये एक परिपाटी रही है जब से संसद है, जब से देश आज़ाद हुआ है, कि जब कोई बड़ी घटना सत्र के दौरान होता है तो उस समय आके लोग अपना वक्तव्य देते हैं। पिछली बार भी उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी जी ने आके वक्तव्य दिया था, और सिक्योरिटी के मसले पर पूरा देश की सभी पार्टियां उनके साथ खड़ी थी, देश के सुरक्षा का मामला था। लेकिन इस बार इन लोगों ने वक्तव्य देना उचित नहीं समझा और 145-146 सांसदों को निलंबित किया गया। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं, और ये वर्ष चूँकि चुनाव होना है, देश की जनता सब कुछ देख रही है, ये 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में सरकार इनकी ज़रूर बनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी, और बिहार में मुझे पक्का यकीन है कि इनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। उसी तरह से पूरे देश में मोदी के लोग मोदी जी को देश की सत्ता से हटाना चाहते हैं, और पूरा विश्वास है कि महागठबंधन जहां जो पार्टी रीजनल पार्टीज है जो सब कांग्रेस की पार्टी के साथ मिलजुल के चुनाव लड़ रही है, एक एक सीट पर इनको हम लोग हराने का काम करेंगे। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर खूब कहीं ना कहीं खरी खोटी केंद्र सरकार को सुनाई है। इसके पहले ईडी और सीबीआई पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अपनी बातों को रखे थे, और अब अखिलेश प्रसाद सिंह कई जो विपक्ष के नेता हैं जो सदन में आवाज़ उठाते हैं उन पर किस तरीके से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करवाई जाती है उसको लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के इतने ही, बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भूलें। धन्यवाद।